ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज मैं आपको श्री सूक्त का पाठ बताने जा रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन करने से क्या लाभ मिलता है। वैसे तो श्री सूक्त का पाठ तो दरिद्रता को नाश करने के लिए ही किया जाता है। श्री सूक्त के पाठ से दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल जाने की क्षमता रखता है। यह सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करता है और मकान, दुकान, व्यापार, वाहन आदि सुख प्राप्त कराता है। नियमित आप रूप से आप इसका पाठ कर सकते हैं। मित्रों, श्री सूक्त में आपको हिंदी में ही बताने जा रहा हूँ। वैसे तो इसका पाठ संस्कृत में होता है, लेकिन कई बार संस्कृत कठिन शब्दों के कारण पाठ नहीं हो पाता है, तो मैं आपको हिंदी अर्थ सहित ही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यह प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। यह शुक्ल पक्ष में प्रथम या द्वितीय शुक्रवार से ही नित्य पाठ करें। एक पाठ या पांच पाठ या 11 पाठ आप कर सकते हैं। यह स्तोत्र का पाठ अपने पूजन या देवस्थान पर करने लगेंगे और पाठ करने वाले व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। आप सुबह या शाम इसका पाठ पूजन के समय करते हैं तो उतना ही फल मिलता है जितना यह पाठ संस्कृत में करने से प्राप्त होता है। व्यक्ति सिर्फ धन और ईश्वर ही नहीं बल्कि यश एवं कीर्ति भी प्राप्त करता है। मित्रों, धर्म संस्कार पूजन चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी अर्थ संस्कृत में ही श्री सूक्त पाठ होता है। आपको हिंदी अर्थ सहित बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, अर्थ है सर्वज्ञ अग्निदेव, स्वर्ण के रंग वाली, सोने और चांदी के आहार पहनने वाली, चंद्रमा के समान प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आह्वान करो, कृपा करो माते। अर्थ अग्नि उन लक्ष्मी देवी को जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से सोना गो घोड़े तथा पुत्रादि को प्राप्त करूँगा, मेरे लिए आह्वान करो, ये कृपा करो माते। अर्थ जिनकी देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनाथ को सुनकर प्रमुदित होती हैं, उन्हीं श्री देवी लक्ष्मी का मैं आह्वान करता हूँ। धन की ही देवी लक्ष्मी मुझे जन्म जन्म तक प्राप्त हो है माते। अर्थ जो साक्षात ब्रह्म रूपा है, मंद मंद मुस्कुराने वाली, सोने के वाहन में आवृत, दरियात तेजोमयी, पूर्ण कामा अपने भक्तों पर अग्रह करने वाली, कमल के आसन पर विराजमान मान तथा पद्मवन्ना है, उन लक्ष्मी देवी को मैं आह्वान करता हूँ। अर्थ मैं चंद्रमा के समान शुभ क्रांति वाली, स्वर्ण गतिशाली, यश में दीप्तमयी, स्वर्ण लोग में देवगणों के द्वारा पूजिता, उदारशीला, पंचहस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरी दरिद्रता दूर हो जाए हे आपको मैं आपके शरण के स्वरूप में वर्णन करता हूँ हे माते लक्ष्मी। अर्थ हे लक्ष्मी, सूर्य के समान प्रकाश रूप में है, तुम्हारे ही तप से वर्षों से श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व पत्र उत्पन्न हुआ है, उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दरिद्रता को दूर करें हे माते। अर्थ हे देवी, देव सखा कुबेरम और उनके मित्र मणिभत्तम तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति रिद्धि प्रदान करें हे माते, मैं आपका आवाहन करता हूँ। अर्थ लक्ष्मी की श्रेष्ठ बहन अलक्ष्मी का जो सुधा और विपासा से मलिन और क्षीणकाय रहती है, मैं नाश कर चाहता हूँ हे देवी। मेरे घर से सब प्रकार के दारिद्र और अमंगल को आप दूर करो माते। अर्थ जो दुरार्ण और नित्य पुष्टा है तथा गोबर में युक्त गंध युक्त वर्णी है, पृथ्वी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतों की स्वामिनी, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ अपने घर में आह्वान करता हूँ। अर्थ मन ही कामनाएं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो, गो आदि पशु एवं विभिन्न प्रकार के अन्य भोग्य पदार्थों के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें माते। अर्थ लक्ष्मी के पुत्र कदम ही हम संतान हैं और निश्चय आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पंजों की माला धारण करने वाली
माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें हे माते। अर्थ, जल स्तंभ पदार्थों की सृष्टि करें, लक्ष्मी पुत्र चिकतलीवी आप ही मेरे घर वास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे घर कुल में निवास करें। अर्थ, आर्द्र स्वभाव कमल रस्ता पुष्टि रूपा पीण वन्ना पंजों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ क्रांति में युक्त स्वर्णमही लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें। अर्थ, अग्नि में जो त्रष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव ही है जो मंगलदायिनी अमंगल प्रदान करने वाली यश रूपा सुंदर वर्ण वाली स्वर्णमाला धारणी सूर्य स्वरूपा तथा हिरणमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आह्वान करें। अर्थ, अग्नि में कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आह्वान करें जिनके आगमन में बहुत सा धन और गोए दासियां अक्ष और पुत्रादि को हम प्राप्त कर सकते हैं। जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुति दे तथा इस 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का हिंदी निरंतर पाठ करें। इसे दिवाली के दिन धनतेरस के दिन भी आप इसका पाठ कर सकते हैं तो विशेष प्रकार का लाभ होता है। मित्रों, अनार के दानों का हवन करने व दूध व घी की खीर का भोग लगाएं।